वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजल सिंह एंड स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। और अभी मैं रेडी हो गई हूं और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मुझे जाना है लाइब्रेरी और जल्दी से मैं अपना नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूं। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, जाने का मन नहीं कर रहा बाहर निकलने का, बट निकलना तो पड़ेगा ही। तो अभी जल्दी से नाश्ता प्रिपेयर कर लेते हैं। नाश्ता में सिंपल सा ओट्स बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है और ज़्यादा लंबा प्रोसेस करने में और लेट हो जाएगा। और क्योंकि मैं अभी अकेले ही रह रही हूँ तो खाना नाश्ता का उतना स्ट्रेस नहीं है। जैसा टाइम मिलता है मैं वैसा मैनेज कर लेती हूँ, कुछ हल्का फल्का खा के या फिर कुछ और बना के, या कभी बहुत लेट हो गया तो बाहर से मंगा लेना। और ये सारी चीज़ करके अकेले रहने में चीज़ें जल्दी मैनेज हो जाती है। और हाँ, तो अभी मैं जल्दी जल्दी भी बना रही हूँ ओट्स। और क्विकली मैं आपसे आज का टारगेट शेयर कर लेती हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मुझे आज क्या क्या करना है, क्योंकि वो मैंने नोट डाउन कर लिया है तो मेरे लिए वो आपसे शेयर करना आसान होगा। जैसे कि आज मुझे इकोनॉमिक्स के क्लास करने हैं, ज्योग्राफी का एक क्लास करना है, इकोनॉमिक्स का एक्स्ट्रा क्लास है तो उसमें आज नोट्स नहीं बनाने होंगे, और ज्योग्राफी के क्लास में मुझे नोट्स बनाने होंगे। और अभी मैं GMT के बारे में पढ़ रही थी ज्योग्राफी में, एंड उसके बाद मुझे एक मेंस का क्लास शुरू करना है आज से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने हैं और करंट अफेयर करना है, और एक लास्ट बुक रीडिंग सेशन करना है जिसमें मुझे बुक के 20-30 पेजेस पढ़ने स्टार्ट करने हैं। तो ऐसे करके मेरा आज का टारगेट है और आप और हम साथ में आज के टारगेट को अचीव करेंगे। देखते हैं कितनी चीज़ें हो पाती है, और हो पाती नहीं है, मुझे ये कंप्लीट ही करना है। इसलिए मैं यूजुअली मैं थोड़ा इसे लेट खाना खाने के बाद लाइब्रेरी जाती हूँ, बट आज मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ। वैसे तो लेट नाइट स्टडी करके मैं कवर कर लेती हूँ, बट आज मुझे जल्दी भी कंप्लीट करना है। तो ये था आज का टारगेट। और आप सबका क्या टारगेट है, आप सब टारगेट बनाइए और हम साथ में उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं आज का दिन। राधे कृष्णा आप सभी को, और लेट्स गो। यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता प्रिपेयर कर लिया है जो कि ओट्स है, और ओट्स ड्राई फ्रूट और एक कोई फ्रूट के साथ आप खा सकते हो, जो एक हैवी मील की तरह होता है और काफ़ी देर तक आपको फुलफिल फील करवाता है, एंड नो डाउट कि बहुत हेल्दी भी होता है। तो इसके साथ ही आज के दिन की शुरुआत हुई। और आज काफ़ी ठंड है, मस से गाइस बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, एंड अभी हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी अगर थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हुई तो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खिंच जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारे इतने सारे बुक्स मैं इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन बैंक है वो मुझे लाइब्रेरी में ही रखने हैं। रोज़ बहुत सारे बुक्स लेकर जाना आना पॉसिबल नहीं होता है, ऑल्दो मेरा लाइब्रेरी तो बहुत पास है, बट फिर भी मैं ये सारे बुक ले जाकर वहीं मैंने रख दिया। और एज यूजुअल सबसे पहले मैंने करंट अफेयर के सेशन से स्टार्ट किया है, और आपको तो आज के टारगेट्स पता ही हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन आप भी अपने टारगेट्स मेरे साथ शेयर करें ताकि आप उसे फॉलो करने में आपको भी थोड़ी हेल्प मिल सके और मुझे भी वो पढ़ के मोटिवेशन मिल सके कि आप पूरे दिन में क्या क्या टारगेट्स रखते हो। और करंट अफेयर और ज्योग्राफी के एक 2 घंटे के क्लास करने के बाद मुझे लगी थी भूख, दोपहर के 2:30 बज गए थे, तो उसके बाद मैं वापस आई। और फिर क्या, अकेले रहने का यही डिमेरिट है कि आपको वापस आकर फिर खुद खाना बनाना पड़ेगा, एंड दिस टाइम
मैंने अपनी रूममेट को बहुत मिस किया, क्योंकि जब भी मैं ऐसे लाइब्रेरी से लेट होती थी तो वो मेरे लिए खाना बना के रखती थी। एंड उसके बाद भारी मन से फिर मैंने अपने लिए खुद खाना प्रिपेयर किया। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ की कि मैंने रात का भी साथ में ही बना लिया, क्योंकि एक तो एक अकेले आदमी का खाना बनाना, बहुत कम क्वांटिटी में बनाना और दो दो बार बनाना तो टाइम वेस्टिंग लगता है। इसलिए मैंने रोटी भी एक्स्ट्रा बना ली और भुजिया भी एक्स्ट्रा बना लिया और रात के लिए भी रख लिया, जिससे मेरा रात का टाइम सेव हो गया। और फिर मैं दोबारा गई, पहली बार जब मैं गई थी तो मैं सिर्फ एक जैकेट पहन के गई थी और मुझे इतनी ठंड लग रही थी लाइब्रेरी में। तो फिर मैं जब वापस आई, मैंने कैप पहना, एक और स्वेटर पहना, दो सॉक्स पहने, और उसके बाद भी लाइब्रेरी में पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बट और मेरे हाथ तो बिल्कुल नहीं चल रहे थे। और आज का सेशन, अभी ठंड के वजह से राइटिंग सेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता ही है कि ठंड में हाथ कैसे जम जाते हैं, बिल्कुल चलता ही नहीं है बहुत। और ज्योग्राफी में बहुत सारे फिगर्स भी बनाने होते हैं जो बहुत गंदे बने थे, और फिर भी मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही थी कि मैं वो सब करती रहूँ। और यहाँ पे मैं ज्योग्राफी के नोट्स ही बना रही थी। तो ठंड के वजह से यहाँ मुझे लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, और मेरा फिगर, ज्योग्राफी का फिगर देखकर मुझे बिल्कुल जज मत करना, क्योंकि ठंड के कारण मैं ठीक से नहीं बना पा रही थी, बट मैं जल्दी जल्दी जो भी था मैंने बना लिया। और उसके बाद शाम को घर वापस आ गई, बहुत कम लोग ही बाहर रहते हैं, और फिर आते आते मुझे दूध का पैकेट लेना था और हरी सब्जियाँ खरीदी। उसके बाद घर आके मैंने दूध उबाला, एक अच्छी सी चाय पी, एंड देन अगेन मैं नेक्स्ट क्लास के लिए मूव ऑन हो गई। और मैंने दूसरा क्लास भी यहाँ ज्योग्राफी का ही किया, क्योंकि ये जो मैंने इकोनॉमिक्स का क्लास करने का सोचा था, बट ये दो टॉपिक बहुत रिलेटेबल थे, मैंने उसके नोट्स भी बनाए तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ गया उसमें, तो मैंने वो इकोनॉमिक्स के क्लास के जगह दोबारा एक एक्स्ट्रा ज्योग्राफी का ही क्लास कर लिया। और इकोनॉमिक्स का क्लास अगर टाइम बचा तो आज कर लूँगी, वरना कल कर लूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी का अपना एक और क्लास ख़त्म किया, एंड देन मैं आ गई लास्ट बुक रीडिंग सेशन के लिए। और यहाँ पे मैं बुक रीडिंग कर रही थी, और फिर आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस व्लॉग में कि मैंने एक ये कैंडल ख़रीदा था, जिसे मैंने थोड़ा जलाया थोड़ा मूड लिफ्ट करने के लिए, और मुझे काफ़ी नींद भी आ रही थी, बहुत ठंड भी लग रही थी, बट फिर भी ये आखिरी सेशन था तो मुझे लगा कि ठीक है, अब ये कंप्लीट करके ही सोना है। और यहाँ पे मैं बुक रीडिंग कर रही थी, अभी भी मैं एंशिएंट हिस्ट्री ही रीड कर रही हूँ कुछ दिनों से। और उसके बाद रात का एक आखिरी काम था, मैंने बादाम फूलने दिए, और फिर पूरा किचन साफ करने के बाद मेरा आज का दिन हो गया कंप्लीट। एंड आज के दिन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर।